हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को एक स्पेशल वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। और आज मैं लेकर के आया हूं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग सीखेंगे ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारा डिमांड को और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, यानी कि उसको चेंज कर सकता है। तो आइए देखते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ कमोडिटी। तो दोस्तों, नेचर ऑफ कमोडिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। किस तरीके से ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है, हम लोग तीन अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट वो जो कि एसेंशियल गुड्स के साथ है। अगर गुड्स का नेचर बहुत ही एसेंशियल गुड्स के कैटेगरी में वो चला जा रहा है, तो इन दैट केस इट विल हैव अ वेरी लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज पीपल विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस इट विद एनीथिंग एल्स। तो दैट इज वाई एसेंशियल गुड्स सच एज वेजिटेबल्स, एसेंशियल गुड्स सच एज केरोसिन ऑयल, एसेंशियल गुड्स सच एज सॉल्ट एंड मैच बॉक्सेस एटसेट्रा विल हैव इन इलास्टिक डिमांड, काफी इन इलास्टिक डिमांड यहाँ पे हम लोग इसका विटनेस कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर गुड्स लग्जरीज का कैटेगरी में आ जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, लोगों को लगेगा कि जैसे ही ये सब चीजों का दाम बढ़ेगा, लोगों को लगेगा थोड़ा दिन वेट कर लेते हैं ना, अभी लेने का क्या जरूरत है। ठीक है, जब दाम सस्ता होगा तब हम लोग सोचेंगे, क्योंकि ये ऐसा तो गुड्स ऐसा नेचर का तो गुड्स है नहीं कि जिसके बगैर आप चल नहीं सक रहे हो। ठीक है, जिसके बगैर आपका जिंदगी कट नहीं रहा है। तो therefore लोग क्या करते हैं, लग्जरीज प्रोडक्ट्स के साथ वो जैसे ही उस प्रोडक्ट का प्राइसेस हाई रहता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग इन गुड्स को नहीं डिमांड करते हैं। तो देयरफॉर लग्जरी सच एज एसी, कॉस्टली फर्नीचर, फैशनेबल गारमेंट्स एटसेट्रा हैव हाई इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इन लोगों का डिमांड इलास्टिसिटी काफी ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने लिखा इलास्टिक डिमांड यहाँ पे देखा जाता है। जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स ऐसे गुड्स होता है जो एक साथ यूज होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो ब्रेड एंड बटर, मतलब बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हम लोग देखते हैं कि इन सारा गुड्स का मॉडरेट इलास्टिसिटी होता है। मॉडरेट इलास्टिसिटी का मतलब बहुत, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम। एग्जाम्पल देकर के मैं समझा रहा हूँ। मान के चलिए बटर का दाम अचानक से मार्केट में बहुत ज्यादा सस्ता हो गया। ठीक है, बटर बहुत ज्यादा सस्ता हो गया, तो क्या होना चाहिए था आपका, बटर का यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए था। लेकिन ब्रेड का अचानक से हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेड का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो बटर सस्ता होने से जो इंक्रीज इन डिमांड बटर सेलर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आप उसको यूज कर दो ब्रेड के साथ, तो ब्रेड अगर बहुत ज्यादा महंगा बिक रहा है, तो इन दैट केस आप बटर को भी डिमांड नहीं करोगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं मॉडरेट डिमांड। मॉडरेट डिमांड मतलब न तो बहुत ज्यादा न तो बहुत कम। तो हम लोग पूरे टॉपिक को तीन पार्ट्स में बांटे हैं, नेचर ऑफ द कमोडिटी वाला टॉपिक को। पहला हो गया एसेंशियल कैटेगरी वाला कमोडिटी, दूसरा हो गया लग्जरीज कैटेगरी का कमोडिटी, और तीसरा हो गया वो गुड्स जो कि जॉइंटली डिमांडेड गुड्स है, मतलब एक साथ यूज होता है। तो एसेंशियल कैटेगरी का जो भी गुड्स होगा उसका डिमांड कैसा होगा, उसका डिमांड इन इलास्टिक डिमांड होगा, मतलब बहुत ही कम इलास्टिसिटी वहां पे देखा जाएगा। जबकि लग्जरीज कैटेगरी का जो भी प्रोडक्ट्स होगा उसका डिमांड हाईली इलास्टिक डिमांड होगा, मतलब अच्छा खासा उसमें इलास्टिसिटी देखा जाएगा। प्राइस अगर थोड़ा मोड़ा चेंज करेगा तो ऐसे गुड्स का डिमांड में काफी ज्यादा यहाँ पे चेंजेस हम लोग देख पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर ज्वाइंटली डिमांडेड गुड्स को हम लोग देख रहे हैं, तो वहां पे हम लोग मॉडरेट इलास्टिसिटी देखेंगे, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम। आई थिंक समझ आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो जिन गुड्स का क्लोज सब्स्टिट्यूट्स रेडिली अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि टी, कॉफी एटसेट्रा, तो लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि चाय का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो लोग तुरंत उसको कॉफी के साथ रिप्लेस कर लेंगे। तो इन दैट केस क्या होगा, हम लोग काफी ज्यादा इलास्टिसिटी इस तरह के गुड्स के केस में हम लोग देख पाएंगे। तो मैंने भी एग्जैक्टली वही लिखा कि डिमांड ऑफ गुड्स विच हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स लाइक टी, कॉफी एटसेट्रा हैव हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे गुड्स का जो डिमांड इलास्टिसिटी होगा वो काफी हाई होगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब जिन गुड्स का क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है उतना, तो उन गुड्स को लोग रिप्लेस उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो देयरफॉर उनका जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो लो रहेगा।
इसके बाद आप देखिए मल्टीपल यूजेस, जो गुड्स का काफी ज्यादा यूज पॉसिबल है, तो होता क्या है अगर उस गुड्स का प्राइस अचानक से मार्केट में बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, अपना डिमांड को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं सिर्फ मोस्ट एसेंशियल पर्पस के लिए, तो इन दैट केस डिमांड बहुत तेजी से फॉल करता है उन सारे गुड्स के केस में। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए मिल्क, तो मिल्क का जब जब दाम बढ़ेगा ना तो लोग मिठाई बनाना कम कर देंगे, लोग पनीर वगैरह कंज्यूम करना कम कर देंगे, लोग घी कंज्यूम करना कम कर देंगे, लोग बटर कंज्यूम करना कम कर देंगे और पूरा मिल्क को यूज करने लगेंगे ओनली फॉर फीडिंग द बेबी व्हिच इज द मोस्ट एसेंशियल पर्पस। तो देयरफॉर द डिमांड ऑफ मिल्क विल फॉल वेरी शार्पली एज सून एज द प्राइस ऑफ मिल्क राइजेस, सो इट विल हैव अ वेरी हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मैंने लिखा है गुड्स विच कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस, गुड्स जिनका मल्टीपल यूजेस पॉसिबल है हैव इलास्टिक डिमांड, ठीक है, उसका इलास्टिक डिमांड यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, हैव इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, व्हेन द प्राइस ऑफ मिल्क राइजेस, जब प्राइस ऑफ मिल्क राइज करता है पीपल स्टार्ट यूजिंग मिल्क फॉर फीडिंग बेबीज, ठीक है, बच्चों को बच्चों को वो मिल्क वो देते हैं, सो डिमांड फॉल्स, इसलिए क्या होता है डिमांड काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पे फॉल कर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि काफी इलास्टिक डिमांड यहाँ पे इस तरह के गुड्स के केस में हम लोग विटनेस कर पा रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, पोस्टपोनमेंट का मतलब वेट करना, देरी करना, कंजम्पशन को लेट कर देना। तो जब जब हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा गुड्स है जिसको जिसके लिए कंज्यूमर वेट कर सकता है तो वो क्या करता है, जैसे ही उस गुड्स का प्राइस अचानक से मार्केट में मान लीजिए बढ़ गया तो लोग उसको तुरंत नहीं खरीदेंगे, लोग वेट करेंगे, लोग पेशेंटली आराम से धीरे 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 वेट करेंगे जब तक कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस एक्चुअली मार्केट में फॉल ना कर जाए। तो जिन गुड्स के साथ ऐसा हो सकता है कंज्यूमर ऐसा कट डाउन कर सकते हैं अपने कंजम्पशन को, तो कंज्यूमर उसका डिमांड कम करने लगेंगे, डिमांड फॉल करेगा विद रिस्पेक्ट टू अ राइज इन द प्राइसेस, दोज गुड्स विल हैव अ हाई इलास्टिक डिमांड। तो और जिन गुड्स के लिए कंज्यूमर का वेट करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कंज्यूमर को करंट कंजम्पशन जारी रखना होगा, उन गुड्स के केस में हम लोग देखते हैं कि इनकम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो काफी ज्यादा इन इलास्टिक हम लोग को नजर यहां पे आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों काफी सिमिलर नजर आएगा, नेचर ऑफ द कमोडिटी और दूसरा है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। अगर गुड्स बहुत ही एसेंशियल कैटेगरी का है तो कंज्यूमर उसके लिए वेट नहीं कर सकता है, उसका करंट कंजम्पशन उसको जारी रखना पड़ेगा, तो कंज्यूमर को अगर करंट कंजम्पशन जारी रखना पड़ेगा तो इन दैट केस उसका इलास्टिसिटी आप देखिए, मैंने यहां पर भी बोला था कि वो इनकम उसका जो इलास्टिसिटी है वो काफी इन इलास्टिक डिमांड होगा, जबकि पोस्टपोनमेंट फॉर यूज जहां पे होगा मतलब जिन गुड्स के लिए वो यूज पोस्टपोन कर पाएगा यानी कि उतना ज्यादा एसेंशियल नहीं है, ठीक है, तो उतना ज्यादा एसेंशियल जब नहीं है तो इसका ऐसे ये सब डिमांड का जो इसका डिमांड होगा वो काफी ज्यादा फॉल कर जाएगा एज सून एज देयर इज अ राइज इन द प्राइस। सो इफ इवन इफ देयर इज अ माइनर प्राइस राइज द डिमांड विल फॉल, सो सच गुड्स विल हैव हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इन गुड्स का काफी हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग देख पाएंगे। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, इनकम लेवल ऑफ द बायर। तो आप लोग सबको जानते हैं रिच बायर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर प्राइस बढ़ भी गया तो उनको कोई फर्क नहीं है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, ढेर सारा पैसा है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं जब हम लोग रिच बायर्स का बात करते हैं, जब हम लोग ऐसे बायर्स का बात करते हैं जिनका इनकम लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो वहां पे उस पर्टिकुलर बायर के केस में, बायर की कैटेगरी के केस में जो डिमांड होता है वो काफी इन इलास्टिक हो जाता है, प्राइस राइज कर भी जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर पुअर कैटेगरी का बायर का हम लोग बात करते हैं जिसका इनकम लेवल काफी लो है, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा प्राइस राइज भी उसका डिमांड में बहुत ज्यादा अंतर ला देगा। तो देयरफॉर हम लोग देखते हैं कि पुअर कैटेगरी के केस में डिमांड काफी इलास्टिक डिमांड बन जाता है, जबकि रिच कैटेगरी के केस में ये काफी इन इलास्टिक बन जाता है डिमांड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अगर मान लीजिए कि कंज्यूमर को हैबिट लग गया है कोई पर्टिकुलर गुड्स का, वो एडिक्टेड हो गया है कोई पर्टिकुलर गुड्स के प्रति, तो इन दैट केस उस गुड्स के गुड्स हम लोग बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं लत लग जाना। अगर उसको लत लग गया है कोई एक पर्टिकुलर गुड्स के केस में तो उस गुड्स का अगर प्राइस राइज भी करेगा तो भी वो उस गुड्स को जरूर कंज्यूम करेगा, कोई दूसरा ऑप्शन उसके पास है ही नहीं। जैसे अल्कोहल के केस में आप देख लीजिए, अल्कोहल का दाम बहुत ज्यादा है फिर भी लोग
उसको कंज्यूम करते हैं। क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि लोगों को आदत सी हो गई है, आदत लग गई है उस पर्टिकुलर गुड्स का, तो इसीलिए उस गुड्स का इलास्टिसिटी बहुत कम होगा। इन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो काफी इन इलास्टिक होगा। लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है, तो जब जब प्राइस राइज करेगा हम लोग तुरंत उसको क्या कर देंगे, कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। तो इसीलिए हैबिट ऑफ द कंज्यूमर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर डिसाइडिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देते हैं मैच बॉक्स का, मैच बॉक्स एक रुपया दो रुपया ऐसे प्राइसेस प्राइस पॉइंट पे आता है और उसमें पूरा का पूरा बॉक्स आपको मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे आपको माचिस की तिलियां आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कंज्यूमर को चाहे वो उसका, मान लीजिए कोई मैच बॉक्स है उसका दाम एक रुपया से बढ़ करके दो रुपया भी हो गया, तो परसेंटेज टर्म्स में तो वो 100% का प्राइस राइज शो कर रहा है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि कंज्यूमर अपना पॉकेट का एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट, अपने इनकम लेवल का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट वो स्पेंड करता है मैच बॉक्सेस को खरीदने के लिए। तो देयरफॉर हम लोग ये देख पाते हैं कि जिन जिन गुड्स के प्रति, जिन जिन गुड्स के साथ कंज्यूमर अपना बहुत ही थोड़ा सा पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड करता है, उसके प्राइस राइज होने पे भी कंज्यूमर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए उन सारे गुड्स का जो इनकम, जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ही लो होगा। लेकिन कंज्यूमर अगर बहुत सारा पैसा खर्च करेगा, ढेर सारा अपना इनकम का बजट का अपना ढेर सारा पैसा अगर स्पेंड करेगा कोई पर्टिकुलर गुड्स के केस में, उसका थोड़ा सा भी प्राइस राइज वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा बजट जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो देयरफॉर जो कंज्यूमर का यहां पे डिपेंड करता है कि वो कितना खर्चा कर रहा है एक पर्टिकुलर गुड्स के लिए। अगर उसका वो कम खर्च करता है एक पर्टिकुलर गुड्स के लिए तो वैसा गुड्स का इलास्टिसिटी विल बी वेरी वेरी लो। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है एक पर्टिकुलर गुड्स के लिए तो उसका जो इलास्टिसिटी होगा वो काफी हाई यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया है तो अगला पॉइंट है प्राइस लेवल के ऊपर। तो सबको ही को पता है कि प्राइस अगर बढ़ता है तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड विल फॉल एंड वाइस वर्सा। तो सिमिलरली हम लोग यहां से एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को के बारे में भी हम लोग जज कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई एट हाई प्राइस लेवल। क्यों? क्योंकि प्राइस अगर हाई रहेगा लोग उसका डिमांड कम करने लगेंगे, लोग तुरंत रिएक्ट करेंगे टुवर्ड्स द प्राइस राइज, तो देयरफॉर इलास्टिसिटी भी हाई होगा एट अ हाई प्राइस लेवल, बट इट विल बी लो एट अ लो प्राइस लेवल। अगर प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स इज वेरी वेरी लो, इन दैट केस द इलास्टिसिटी विल ऑल्सो बी वेरी वेरी लो। इसके बाद टाइम पीरियड, तो लास्ट वाला पॉइंट है ये टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में क्या कह रहा है, डिमांड इज इन इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग कंसिडर करते हैं तो लोग कम समय में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए प्याज का दाम आज ही मार्केट में 100 रुपया किलो हो गया, तो लोगों को ना अपना आदत को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, तो लोग इमीडिएटली शॉर्ट पीरियड में ही वो अपना आदत को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जिसके वजह से उनका जो बाइंग पैटर्न है, उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है, उसमें ज्यादा फर्क ही नहीं आएगा। तो देयरफॉर शॉर्ट पीरियड में डिमांड विल बी इन इलास्टिक। ठीक है, ऐसा हुआ था प्याज का दाम एक बार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, हम लोग को थोड़ा टाइम लगा था उसके साथ, उस प्राइस राइज के साथ एडजस्ट करने में, तो हम लोग का उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग का जो इनकम, हम लोग का जो इलास्टिसिटी है वो काफी कम रहेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का बात करते हैं तो हम लोग के पास काफी समय आ जाएगा, हम लोग अपने कंजम्पशन पैटर्न को अकॉर्डिंगली चेंज कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाता है कि लॉन्ग टाइम पीरियड में जो डिमांड है वो काफी हद तक इलास्टिक बन जाता है। आई थिंक सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिया, आइए एक क्विक रिकैप हो जाए सारे पॉइंट्स का। तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड, तो विच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला फैक्टर हो गया आपका नेचर ऑफ द कमोडिटी, दूसरा फैक्टर हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। नेचर ऑफ द कमोडिटी में हम लोग दो तीन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, एसेंशियल कैटेगरी गुड्स, लग्जरी कैटेगरी गुड्स और जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। एसेंशियल कैटेगरी गुड्स विल हैव अ लो डिमांड, लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। उसके बाद हो गया आपका लग्जरी कैटेगरी गुड्स, दे विल हैव अ हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड जॉइंटली डिमांडेड गुड्स विल हैव अ मॉडरेटली इलास्टिक डिमांड। इसके बाद नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अवेलेबल दोज गुड्स विच हैव अ क्लोज, विच हैव लॉट्स ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स,
such as milk etc. They will have high elasticity of demand. अच्छा इसके बाद मल्टीपल यूजेस, तो मल्टीपल यूजेस के केस में क्या होता है, जिन गुड्स का मल्टीपल यूजेस पॉसिबल है जैसे कि मिल्क वगैरह, तो उन गुड्स के केस में हम लोग देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, मिल्क को सिर्फ बेबीज को फीड करने के लिए यूज करते हैं जब मिल्क का प्राइस राइज हो जाता है, तो दे विल हैव अ हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अगर ज्यादा होगा तो भी इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, और अगर मल्टीपल यूजर्स पॉसिबल है गुड्स का तो भी इलास्टिसिटी ज्यादा होगा. इसके बाद आप देखिए पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्टपोनमेंट. तो कंज्यूमर अगर वेट कर सकता है तो उसका इलास्टिसिटी कम होगा, उसका डिमांड इलास्टिसिटी विल बी हाई. तो और अगर कंज्यूमर पोस्टपोन नहीं कर सकता है तो वैसे केसेस में उसका डिमांड इलास्टिसिटी विल बी लो. अच्छा इसके बाद इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, ऑफ द बायर और द कंज्यूमर. अगर कंज्यूमर रिच है तो इन दैट केस उसका प्राइस इलास्टिसिटी बहुत कम होगा. कंज्यूमर अगर पुअर कैटेगरी का, पुअर इनकम लेवल के कैटेगरी में बिलोंग करता है तो इन दैट केस वहां पे जो उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो लेकिन काफी हाई होगा. इसके बाद हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर को अगर लत लग गया है कोई पर्टिकुलर गुड्स को लेकर के तो इन दैट केस उसका जो इलास्टिसिटी होगा वो लो होगा, और ऐसा अगर नहीं होगा तो इलास्टिसिटी फिर भी हाई. इसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, तो कंज्यूमर अगर अपने टोटल इनकम का बजट का थोड़ा सा ही पार्ट अगर स्पेंड कर रहा है तो इनकम इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लो, और अगर वो बहुत सारा पैसा खर्च करता है कोई पर्टिकुलर गुड्स के लिए तो इन दैट केस उसका जो डिमांड इलास्टिसिटी होगा वो लेकिन हाई होगा. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस किए ये वाला पॉइंट, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस लेवल. तो प्राइस लेवल में मैंने ये बोला कि हाई प्राइस लेवल विल हैव हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लो प्राइस लेवल विल हैव अ लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड, इन द शॉर्ट टाइम पीरियड द डिमांड इलास्टिसिटी विल बी लो, the demand will be inelastic, relatively inelastic. Then in comparison to a time period which is long, in the long time period the demand elasticity will be high, or the, in other words the demand will show a elastic the elastic demand. I think the video is very very clear. Please like, share and subscribe to my YouTube channel Knowledge is Power. Thank you.